हाँ भाई दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर IAS फ्रॉम क्लास 6th, 7th, 8th and 9th, और इसको हम और इसमें हम 10th को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली 6th से लेकर 10th तक के बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हम कैसे IAS बने, कैसे हम IAS के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी से क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए। तो बात करेंगे आज की वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए और आप कैसे एक IAS ऑफिसर बन सकते हो। ठीक, तो फिर वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट थिंग इज, आपको एक IAS ऑफिसर बनने के लिए आपको UPSC CSC एग्जाम देना पड़ेगा, क्रैक करना पड़ेगा उसको। और ये एग्जाम नॉट फॉर द IAS बट फॉर ऑल ग्रुप ए सर्विसेज के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल IAS, IPS, IRS एंड IFS। अब इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बट UPSC एग्जाम से आपकी और भी सर्विसेज आती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके लिए क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो आपको एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अब इस एग्ज़ाम में आपके 3 स्टेप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टेप इज़ प्रीलिम्स। अब इसमें क्या करना है आपको, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे जो आपको क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप मेंस में जाओगे, फिर आप इसमें आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद लास्ट स्टेप आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि आपका इंटरव्यू उसमें होगा, तब जाकर आपकी स्टेजेस पूरी होंगे, तब फिर आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। तो आपको ये सब करना होगा, लेकिन अभी आपको इसके बारे में नहीं सोचना, क्योंकि अभी आप क्लास 9th में हो या क्लास 7th, 8th, 6th, जिसमें भी हो, तो आपको बस इतना ध्यान देना कि अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है, UPSC आपको क्रैक करना है, आपको एक IAS ऑफिसर बनना है, तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होगी, IAS इज़ नॉट ओनली अ जॉब, इट्स अ ड्रीम फॉर मैनी स्टूडेंट्स। सो आपको इस चीज़ को ध्यान देना होगा कि आप एक ऐसे जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप ऐसी पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट का ड्रीम है ये कि उनको एक IAS ऑफिसर बनना। हो सकता है आपका भी ये ड्रीम है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, आपको अपने आप की स्किल्स इम्प्रूव करनी है। अब वो कैसे होंगी, आपका जो भी आप जिस भी क्लास में हो, आप 9th में हो, 10th में हो या 8th, 7th, जिसमें भी हो, आप उसको अच्छे से ध्यान दो। अगर आप अपने करंट में अच्छा कर पाते हो, तो आप आगे चल कर भी अच्छा कर पाओगे। ठीक, तो जो भी आपकी डेली क्लासेस होती हैं स्कूल में, या फिर आपकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल में, आपका जो भी सिलेबस है, उनको अच्छे से रीड करना है और अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी है। ठीक है, जितनी भी चीज़ आपके स्कूल में होती हैं उनको अच्छे से फोकस के साथ पढ़नी है, और ऑल सब्जेक्ट, सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट, मैथ हो, साइंस हो, SST हो, है ना, हिंदी हो, इंग्लिश हो, सब आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ताकि आपकी बेस इंप्रूव हो जाए। कहते नहीं, अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी अच्छी बन पाएगी। तो आपको वही करना है, बिल्डिंग इज़ फॉर UPSC एंड योर बेस इज दिस क्लासेस 9th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। तो अगर आप अभी 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में हो, तो आपको बस इतना ध्यान देना है, फोकस ऑन योर बेसिक्स। आपको अपने बेसिक्स पर ध्यान देना है, वही आपके लिए इनफ है। और आपको अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कि आप जब इसके लिए प्रिपेयर करोगे कि आपको प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट, इनकी आपको सिलेबस देखोगे, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्टार्ट करना है प्रिपरेशन अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, तब आपको इसके बारे में सोचना है कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे। बट अभी आप नॉट फॉर द UPSC, आप सिर्फ अपने आप को प्रिपेयर करोगे कि आप कैसे हो, आप अपने स्कूल में कैसे हो, क्या आप अपने स्कूल में पढ़ाई में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हो, क्या आप अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर कर पा रहे हो, तो उसको अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर करना। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो, और अगर आपको इसके बारे में और भी जानना है कि लाइक आपको कि कैसे UPSC की प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या टिप्स आपके लिए अभी से होनी चाहिए, कि मैंने आपसे कहा कि क्लास 9th में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप की स्किल्स इंप्रूव करनी है, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको इंप्रूव करनी चाहिए और कैसे वे इंप्रूव हो सकती हैं, तो इस वीडियो में मैंने शेयर की है, आप इसको जाकर ज़रूर देख लेना, और वहाँ पर आप समझ पाओगे कि आपको क्या चीज़ें ऐसी करनी चाहिए जिससे आप एक बेटर पर्सन, आप एक बेटर वर्जन बन पाओ, और आपको उसकी हेल्प आपके UPSC एग्जामिनेशन में हो सके। तो ये थी आज की वीडियो, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना, और अगर आपको उसके बारे में और भी जानना है, तो आप हमारा इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको स्टडी रिलेटेड मटेरियल मिलता रहेगा, और अगर मन में कोई क्वेश्चन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख भी देना। तो चलो फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।